सो वो दोस्त मेरे को मिला आकर के और थोड़ा परेशान सा लग रहा था. कहता कि यार संदीप, ये जो तू बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है, क्या तू सच में मानता है कि सब कुछ इतना आसान है? मैंने कहा हाँ यार मानता हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहता यार मुझे ना ये सही बताऊं, ये बड़ी अजीब सी चीजें लगती हैं. मतलब ये ऐसा लगता है कि अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं है. असली जिंदगी में तू अपनी आंखें खोल करके तो देख कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, तेरे को सब समझ आ जाएगा. एक दिन मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, तब तुझे समझ आएगा. तुझे क्या आसान लगता है ये बता, क्या तुझे आसान दिख रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब आसान है? जो मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है वो सब आसान है? कुछ भी आसान नहीं है यार. तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और एक दिन असलियत में अपनी आंख खोल करके देख, तेरे को कुछ भी आसान नहीं दिखेगा, सब कुछ मुश्किल दिखेगा. मैं कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है. लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है. और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो. जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा. थोड़ा सा और सोच करके उसने दिमाग लगा करके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली. कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी. कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है, लाखों लोगों का? वो गलत कैसे हो सकते हैं, लाखों लोग हैं. मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान ले तो वो सच नहीं हो जाता. और अगर एक आदमी चाहे, एक आदमी, तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से. कैसे? आज से बहुत साल पहले इस पूरी दुनिया की एक रियलिटी थी, एक रियलिटी थी कि भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके आसपास होना जरूरी है. सिंपल है कि मतलब आप यहां खड़े हो, वो सामने खड़ा है, आमने हैं, सामने हैं, तो बात कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो बात हो पा रही है. लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो बात नहीं कर सकते. तो पूरी दुनिया की ये रियलिटी थी, लेकिन एक आदमी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. उसने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं यहां पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकता हूं, कर सकता हूं. और उस एक आदमी के इल्यूजन से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई. टेलीफोन नाम की चीज सुनी होगी. और मैंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, इसको भी छोड़, तेरे आसपास में दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, किसी भी इंसान ने बनाई है, सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक. मैंने कहा सारी देख जा करके, जा चला जा 10 दिन के लिए, सारी देख एक एक करके लिस्ट बना और उसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दे जिसको तू रियलिटी कहता है, जो किसी का इल्यूजन नहीं था, जिसका जो जन्म है वो इल्यूजन से नहीं हुआ. एक भी ऐसी चीज दिखा दे. तू नहीं दिखा सकता भाई, नहीं दिखा सकता. मतलब इल्यूजन में इतनी पावर है. तो अब अगर लोग अपने इल्यूजन से पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं तो क्या तू अपनी नहीं बदल सकता? आसान है.